कल टाइम से आ जाऊँ, कल तो मिला इससे बात नहीं। कल जाना 3 बजे हाँ कल। इस पर आ जाऊँ, वहाँ तो दूर हो जाऊँ। अच्छा ये बताओ सेट किसे कहते हैं? देखिए जो है आपका IIT और JEE, इसमें जिसका टॉपिक्स है, सबसे पहला टॉपिक है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। हिंदी में पढ़ना है या अंग्रेजी में पढ़ना है? वो अब तक तो आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, लेकिन एक्चुअली क्या है, इंजीनियरिंग की जितनी भी बुक्स होंगी वो सारी इंग्लिश में ही मिलेंगी, तो धीरे धीरे कोशिश करो कि इंग्लिश की भी चीज़ें हमारी समझ में आती रहे। तो सेट का नाम तो सुना ही है आपने, क्या होता है सेट? ये सेट बताइए कैसे कहते अच्छा हैं? हाँ हिंदी में तो उसको समुच्चय कह देंगे आप, लेकिन अगर हम इसकी परिभाषा कहें कि समुच्चय है क्या, कैसे समझाओगे आप किसी को? तो छोटे अगर मैं कहूँगा जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, क्या है इंग्लिश की हमारी जो अल्फाबेट है उसके अगर वोवल्स की बात करूँ मैं, कौन से हैं? A, E, I, O, और, ठीक है, और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो क्या ये सेट है? ठीक है, देखिए सेट क्या होता है, अवयवों का परिभाषित समूह, क्या इसे कहते हैं? अवयवों का जो परिभाषित समूह होता है उसे ही समुच्चय कहते हैं। अंग्रेजी में कहूँ तो उसे वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या कहूँ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक, वेल डिफाइंड का मतलब वो परिभाषित हो, यानी कि कुछ भी चीज़ हम अगर इकट्ठा कर देंगे दो सेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होने का, वो डिफाइन होना चाहिए। कैसे? जैसे हमने इसको क्या नाम दिया, ये क्या है, इंग्लिश वर्णमाला के हमारे वोवल्स है, तो ये डिफाइन हो गया। ठीक है, मान लिया एक परिवार के सदस्य हैं, अगर उनको हम इकट्ठे कर दें तो वो भी एक सेट है। आपने बोलचाल में आपने सुना होगा कि डिनर सेट, सुना है? डिनर सेट का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कप, प्लेट, चम्मच और कटोरे वगैरह वगैरह जो आते हैं वो पूरा एक सेट बन जाता है। अगर हम उसमें बाल्टी रख देंगे तो क्या वो सेट रह जाएगा? नहीं होगा, यानी कि हर चीज़ एक स्पेसिफाई होती है। अगर हम ये कहें कि कक्षा में पढ़ने वाले सभी, कक्षा 10 में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चे हम छांट सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कक्षा 10 में ऐसे पढ़ने वाले बच्चे जिनकी हाइट 8 फुट से ज़्यादा है, तो क्या ऐसे बच्चे होंगे? कोई नहीं होने का ऐसा, तो ऐसा सेट हमारा हो जाएगा रिक सेट। या अगर मैं एक सेट ऐसा लिख दूँ एक्स सच दैट x² = -9, क्या ये सेट है? क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका स्क्वायर -9 होगा, तो ऐसे सेट हमारे ये कहलाते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, और एक उदाहरण लूँ कि
अगर मैं एक सेट आपसे कहने लगूं, किसी भी कक्षा ले लो, मान लिया क्लास 10th के सभी अच्छे बच्चे, क्या कहा हमने, तो क्या ये सेट बना पाएंगे? सर अच्छे बच्चे जो हो गए उनके क्या ये सेट बन जाएगा? क्लास के सभी सभी आ गए ना। नहीं, क्लास के सभी जो सभी अच्छे बच्चे हैं, कुछ बुरे होंगे कुछ अच्छे बच्चे हैं, तो क्या वो सेट होगा? क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ना सभी अच्छे हो गए, कोई ऐसा नहीं, नहीं अच्छे तो होगा। कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। मान लिया अगर मैं कहूँ ऐसे स्टूडेंट जिनकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है और जिनकी 5 फुट से कम है, तो दोनों तरह के बन जाएंगे सेट, तो बन जाएंगे वो। लेकिन मैंने कहा कि क्लास के सभी अच्छे बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं उनके नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, ये सेट इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छे की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। कैसे डेफिनेशन करोगे कि बच्चा अच्छा है? भाई किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो किसी में कुछ बुराइयाँ होंगी, किसी में कुछ होंगी, तो ये इस तरह के जो शब्द होंगे। ठीक है, अगर हम कहें कि एक गांव में जो सभी बुरे व्यक्ति हैं उनका समुच्चय, बना पाएंगे? नहीं, जब बुरे की कोई ऐसी परिभाषा ही नहीं है, आप कैसे उसे डिफाइन करोगे? तो हमने पहले ही कहा सेट जो होता है वो हमारा डिफाइन होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ जो हमारे सेट्स होते हैं उनको लिखते कैसे हैं? देखो हमने उसको बताया था कि जो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो करते हैं कैपिटल लेटर में, इसमें कैपिटल लेटर में ए बी सी डी कुछ भी होगी, उसके जो अंदर के एलिमेंट होंगे या अवयव होंगे जिनको बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल में। ठीक है, ब्रैकेट कौन सा लगाते हैं हम, मझला ब्रैकेट या अंग्रेजी में बोलते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और उनको सेपरेट कैसे करते हैं, दूसरे से अलग कैसे करते हैं एलिमेंट को, कोमा के द्वारा। तो लिखने का तरीका हो गया। इसी के साथ साथ हम सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट लिखने के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं। पढ़ा है कभी? क्या क्या बताओ? नहीं, वो तो उसके सबसेट हो गए। सबसेट से मैं कह रहा कोई सेट है उसको हमें लिखना है कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे मैंने अभी सेट बनाया था एक वोवल्स का, उसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? दो फॉर्म होती है सेट लिखने की, ये जानना चाह रहा। जो सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म होती है, एक तो आपकी है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर मेथड। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है? ठीक, बता सकते हैं इनके बारे में क्या क्या? अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं सारणियन विधि और सेट बिल्डर बोलते हैं आप, सेट बिल्डर फॉर्म का मुझे भी नहीं पता, मतलब ये सेट के रूप में ही रिप्रेजेंट की जाती है। तो सारणियन विधि बताओ क्या होती है? देखो 11th क्लास की, देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने यहाँ जो पूरा कोर्स डिस्कस होगा, एक तो 11th एनसीईआरटी, क्लियर है, 12th एनसीईआरटी प्लस फिर आपका जेई का जो टॉपिक्स हो। अब यहाँ मजबूरी ये है कोई भी टॉपिक्स आपके 10-15 जो भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक पे लगभग 10-11 लेक्चर होते हैं। अब बात आती है क्या इन्हें छोड़ के डायरेक्ट इस पे आ जा सकता है? बताओ, अगर मैं यहाँ आपको डायरेक्ट सेट रिलेशन फंक्शन की कोई प्रॉब्लम जो जेई में आती है एग्जाम में आती है वो रख दूँ, क्या आपके समझ में आएगा? तो एटलीस्ट मुझे क्या कंप्लीट कराना पड़ेगा, ये कंप्लीट कराने के लिए, ये कंप्लीट कराने के लिए। अब यहाँ पे है सेट रिलेशन एंड फंक्शन के दो चैप्टर तो आपके 11th में है। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? दो चैप्टर हैं, और 12th एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इन्हें इन तीन चैप्टर को
एक लेक्चर में खत्म करा लो, चाहे 3 दिन में करा लो और चाहे 6 दिन में करा लो और चाहे 11 दिन में करा लो, ये कैपेबिलिटी है आपकी। क्योंकि जब तक यहाँ आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसे नहीं छेड़ेंगे। और मैं आपको बताऊँ, सेट रिलेशन और फंक्शन अपने आप में, अगर मैथमेटिक्स में बात करूँ, जितना भी टोटल सिलेबस है सारों में, ये टफ जो टॉपिक्स होते हैं उनमें आते हैं, ये ईजी टॉपिक्स में नहीं आते। 11th 12th में जैसे वैसे ही हवा की डाल निकालते हैं यार, कौन कौन इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ नहीं, छोड़ दो उसको। लेकिन ये आप इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। तो NCERT की बुक होगी आपके पास, ठीक है? अगर नहीं भी है तो NCERT ले लो, 11th की भी 12th की भी। नहीं है मोबाइल से पढ़ोगे थोड़ी आंखें खराब हो जाएंगे, नहीं मोबाइल में एक ही ऐप है, सारी बुक्स मिल जाती है इसमें, ठीक है? इनको रीड करो, क्लियर है? अब देखो, अब मैं तुम्हें सेट पढ़ाऊँ, सेट के फॉर्म पढ़ाऊँ इसके, क्योंकि जब तक आपको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं आएगा आपको तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, ठीक है? तो घर से पढ़ के आया करो और फिर जो चीज़ पूछनी है वो पूछा करो। तो उसमें मान के चलो कि अगर आप घर से पढ़ के आओगे, सपोर्ट करोगे, तो जैसे ये 3 चैप्टर हैं तो आपके 6 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, 5 लेक्चर में, 4 लेक्चर में जाके बचेंगे, उसमें इंजीनियरिंग के डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आपने और भी कुछ सपोर्ट करो, यहाँ कोचिंग चल रही है इसकी JEE की, अब बेस के बिना तो कुछ नहीं होगा NCERT के बिना। अगर आपने ये NCERT भी कवर कर ली ना, तो आप किसी भी बुक को पढ़ने लायक हो जाओगे अपने आप, चाहे आप फिर JEE की पढ़ लो, किसी भी बुक बैठ कर आप सेल्फ स्टडी से मैथ कर सकते हो फिर उसके बाद। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी आप, तो इसे स्ट्रॉन्ग करो, पढ़ो उसे, दोनों बुक्स ले लो, 11th की और 12th की, 12th की दोनों ले लो, दोनों पार्ट्स में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसके हैं, कुछ टॉपिक्स उसमें, तभी वो कम्बाइंड है, ठीक है? अब वो लड़की तैयार थी यहाँ से, क्या नाम, सरकड़ी पढ़ता है, उसको मैंने सेट पूरा करा दिया था, कार्टेजियन प्रोडक्ट तक आ गए थे, तो वो नहीं आ पाई। अब नहीं आ पाए तो थोड़ा आपको भी रिकॉल कराना जरूरी है, कोई फायदा कुछ नहीं है भाई बैठ के इस तरह, बच्चे हफ्ते नहीं मतलब रेगुलर नहीं होंगे तो फिर कैसे क्या कर देंगे, ठीक है? टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है? टेबुलेशन में लिखने का मतलब है किसी भी चीज़ की एक टेबल बनाना। सांख्यिकी में आपने पढ़ा है डाटा की हम क्या टेबल बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं ना, कोई भी इस तरह की टेबल बना ली, पहले किसी डाटा को इस तरह लिख लिया, एक कंपनी ए है, बी है, सी है, इसका प्रॉफिट यहाँ 5,000 हुआ, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 15, कौन से साल में, बाकी 2011 में ये प्रॉफिट हुआ, 2012 में, इस तरह से एक टेबल बना ली हमने। टेबल का मतलब हमने वो चीज़ रिटेन कर ली, लिख ली हमने, और टेबल हो गया, रोस्टर बना लिया। रोस्टर का मतलब जानते हो क्या अब तक? रोस्टर, रोस्टर को शायद उर्दू में तो घोषवारा बोलते हैं, हिंदी में शायद कार्य सूची बोलते होंगे, घोषवारा बोलते हैं। इसमें क्या है घोषवारे में, रोस्टर बनाना। सपोज करो जैसे आपने कभी जब स्कूल में जाते हो गए आपने, तो टीचर्स कुछ काम दे देते हैं कि भाई मंडे में ये लड़कियां हैं पानी पिलाएंगी, ट्यूजडे में ये लड़कियां हैं, होता है ना इस तरह से कुछ काम बांट देते हैं सबके। उसमें जब काम बांटते हैं तो जिन जिनका जो काम होगा वो काम लिखे जाएगा, और उन्हें जो जो काम करना जिस जिसको करना है उनके नाम भी लिखे जाएंगे। यानी कि वही चीज़ है, टेबुलर है चाहे रोस्टर फॉर्म है, दोनों में ये है कि वो चीज़ हमें एग्जैक्ट में लिखनी है। एग्जाम्पल क्या है इसका रोस्टर का, एग्जाम्पल आप ये देखिए, जैसे मैंने सेट कहा, सेट ऑफ वोवल्स, किसका, वोवल्स का, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिए ए ई आई ओ यू, क्लियर? अब मैं कहूँ सेट ऑफ एन लेस देन 5, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, 1 to infinite तक जो है सारे नेचुरल नंबर। तो और कैसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 5 से छोटे हों, लेस देन 5 का मतलब 5 से छोटे, क्या क्या होंगे, 1, 2, 3 और ये भी एक हमारा सेट बन गया। इस तरह की जितने भी फॉर्म है जहाँ पे एक्चुअल में आपको सेट लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, वही हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म होती है। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपका ये इसी सेट को अगर मैं लिखूँ, ये ऐसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, फिर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक, एंड एक्स लेस देन 5।
यानी कि एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखे जाते हैं। किसके रूप में लिखे जाता है सेट बिल्डर फॉर्म? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी वो नहीं घर वाली, घर की प्रॉपर्टी, जमीन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब वो, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति भी होता है। तो किसके आधार पर लिखेंगे हम? गुण के आधार। पढ़ेंगे कैसे? द सेट ऑफ ऑल एक्स, इतने का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी कि जो सेट है सभी ऐसे एक्स का है, सच दैट, ऐसे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको पहले रीड करना सीखा है, सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस देन, x कर लो या इट इज लेस देन 5, यानी कि जो सेट है सभी ऐसे x का सेट है जो कि एक नेचुरल नंबर है और 5 से छोटे हैं। इसको अगर वोवल्स वाले को लिखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल, लिख दी प्रॉपर्टी के रूप में। तो इस तरह के आपके जो हैं सेट ज्यादा मिलेंगे देखने में आपके जब यूज में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया? सेट बिल्डर। सेट बिल्डर, बिल्डर मैंने बनाने वाला, बिल्डर, बिल्ड मैंने बनाना होता है, बिल्डर बनाने वाला, जो सेट बनाने वाली फॉर्म है, यानी कि इसको हम प्रॉपर्टी बेस पर हम इसको लिख सकते हैं। अगर अब ये है, अब कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ जाते हैं, कैसे आपको दे दिया x is that x square वापस इसमें लो, x इज नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर लेस देन, ये एक सेट बना दिया, ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं कि जिनका स्क्वायर 50 से कम हो। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले 1 आएगा, 2, 3, ठीक है। अगर हम नॉर्मली अभी आप जब तक मैंने अभी 15 मिनट आपको पढ़ाते हुए उससे पहले मैं पढ़ाता तो क्या आप इसको लिख पाते इस फॉर्म में? बताओ। अब हमें पता लग गया कि ये कहना क्या चाह रहा है।
मोबाइल चलाते हो अपना? व्हाट्सएप है क्या है? चलो कोई ना, बुला लेते हैं। अच्छा, हॉल नंबर किसको बोलते हैं बताओ? होल नंबर पढ़ा है, पूर्ण संख्या है। हाँ, किसे कहते हैं? हाँ, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर तो 1 से 7 से बोलते हैं। एम्पटी सेट पढ़ाया कभी? नियम बोलते हैं इसको, रिक्त समुच्चय। क्या बोलते हैं? क्या होता है? ठीक है, एम्पटी सेट, इसी को हम नल सेट या वाइड सेट, तीन नाम है इसके, नल सेट, एम्पटी सेट, वाइड सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? फाइव और एक दूसरा एक और है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ब्रैकेट बना देंगे बीच में कुछ है, तो ये फाइव है। अब ये बताओ ये कैसा सेट है?
ये एम्प्टी सेट है या सेट है कोई और? सेट हो गया ना, क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रैकेट तो लग गया ना, यानी कि एक ऐसा सेट है जिसमें फाई नाम का एलिमेंट है, क्योंकि कभी कभी इस सेट को हम एम्प्टी सेट समझ लेते हैं जबकि एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट या तो सिंगल फाई होगा विदाउट ब्रैकेट या सिर्फ ब्रैकेट होंगे। ठीक है, अगर मैं एक सेट ऐसे लिख लूं एक्स सेट एक्स वर्तमान कक्षा में या वर्तमान में कक्षा 10 व कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी ठीक है, क्या लिख दूं मैं? एक्स एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कौन से विद्यार्थियों के नाम आने हैं जो 10 और 11 में पढ़ रहे हैं, तो ये सेट कैसा होगा? क्या संभव है ये? एक ही बच्चा दो क्लास में पढ़ रहा हो तो कैसा समुच्चय हुआ है? ठीक है, फिजिक्स कहना छोड़ दो, एम्प्टी सेट ठीक है या नल सेट या वाइड सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको परिमित समुच्चय, क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। हेलो, चलो ठीक है, सुबह भी जाएगा जल्दी करता है। ठीक है, ठीक है। परिमित समुच्चय पढ़ा होगा, पता नहीं। परिमित का मतलब जिसकी हमने एक सीमा तय कर दी हो, फाइनाइट जो जिसकी गिनती की जा सके, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें इतने अव्यय हों जिनको हम गिन सकें, जिनकी हमें गिनती पता होगी, एक है, दो है, 10 है, 1000 है, और इनफाइनाइट जिसमें हमें पता ही नहीं कितने कितने अव्यय हैं। जैसे सेट ऑफ बॉबल्स था, उसमें कितने थे? 5 थे। या मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो कितने अव्यय एलिमेंट हुए इसमें? 49 लेस देन 50, लेस देन इक्वल टू 50 नहीं काम है, लेस देन 50, तो कितने हो गए?
49, तो इसी तरह से अगर मैं सेट ये कह दूं, ओनली ये लिख दूं, सेट ऑफ एन, एन का मतलब क्या है, तो क्या फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट होगा, मैंने नेचुरल नंबर का पता ही, ठीक है। अब बात आती है कि दो सेट इक्वल सेट को आप कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट या समान समुच्चय। कब होंगे इक्वल? एक सेट आपका ए है और एक सेट बी है, यानी इसके सारे एलिमेंट, इसके सारे अव्यय इसमें हो और इसके सारे अव्यय इसमें हो, तो तब क्या कहलाएंगे, दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। सपोज करो इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें हो सकता है 4, 2, 1, 3 इस तरह लिखे हुए हो, तो क्या दोनों सेट इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ पे मैं एक बार और 2 लिख दूँ, एक बार 3 लिख दूँ, एक बार 4 लिख दूँ, क्या अब ये सेट इक्वल है? अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, 1, 2, 3 और 4 एक सेट ये है, एक सेट ये है 1, 2, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 2, ये क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? देखिए किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट वही काउंट होते हैं जो डिफरेंट है। अब मान लिया यहाँ पे 1 भी 3 बार आ गया, 2 भी 3 बार आ चुका है, 3 भी 3 बार आया, 4 एक बार आया, यहाँ पे सभी एक एक बार है। रिपीटिशन से किसी नंबर के किसी सेट्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेट एक्सिस्ट में वही रहेगा, यानी कि ये सेट और ये सेट दोनों इक्वल है किसी में कितने भी रिपीट हो। अब ये बताइए सेट ए और सेट बी इक्वल है नहीं? अब क्लियर है, यानी कि रिपीटेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद आता है आपका इक्वल सेट हो गए, क्वेश्चन कर लेते हैं, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और प्रारंभ
अच्छा एक सेट लिखा हुआ है बी बराबर x such that x greater than 15, ठीक है, एंड x less than 4, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। चल रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सोचो। तो ना मैं जरा पानी देता हूँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हुआ एम्प्टी सेट, क्लियर। क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 15 और लेस देन 5, सो इट इज ए एम्प्टी सेट, क्लियर। बात करते हैं हम सबसेट, इसकी बात करते हैं सबसेट। पढ़ाए सबसेट किसे कहते हैं, हाँ सबसेट, इसको हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है, देखो अगर आपने हिंदी में उपसर्ग पढ़े हो, उप का मतलब होता है छोटा या दूसरा। तो एक सेट अगर हम ले, सपोज करो हमने एक सेट ए ले लिया, क्या 1, 2 और 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं बताओ, तो क्या क्या बनेंगे, 8 बनेंगे, क्या क्या, एक 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 और एक दो एक तीन अकेला दो दो एक दो तीन और
और तीन तीन एक तीन दो तीन कितने बन गए, 3 4 7 4 11 बन गए। और बन सकते कितने हैं इसके मैक्सिमम, इसके जो मैक्सिमम सबसेट बनेंगे वो आपके 8 बन, कितने बनेंगे, क्लियर है? आपने तो बहुत सारे बनाए, देखो सर ये एक बार ही आएगा, ये वाला दोनों की वैल्यू एक ही है, एक रख दो, एक तीन तीन एक कट गया, तीन दो दो तीन कट गए, तीन तीन है एक एक है, दो दो छोड़ दिया आपने, हो गया जाना चाहिए। चलो ठीक है, प्रयास अच्छा किया आपने। देखिए अगर सेट हमारा एक है, आगे से ध्यान रखना, कभी बनाने पड़े हैं बच्चों को, आगे किसी को बताना पड़ जाए। एक तो हमारा जो नल सेट है, एम्प्टी सेट जो है, वो सभी का सबसेट है, ठीक है? तो सबसे पहले जो सबका है भाई साहब को नहीं पहले लिख देते हैं, एक तो हो गया आई, फिर हम सबके एक एक एलिमेंट लेंगे, एक एक एलिमेंट लेने पे एक सेट तो ये बना, एक सेट ये बना और एक सेट हमारा सबसेट ये बना, ठीक है? अब दो दो बोलेंगे, दो दो की पेयरिंग कैसे करेंगे, इन दो ये दो ये दो और ये दो, सबसे पहले एक दो फिर दो तीन, क्लियर? और तीन और एक पूरा का, क्लियर हो गए? कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लिया एन है, कितने हैं एन मान लो, चलो नंबर ऑफ एन आ रहा तो एम मान लो, तो जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर, क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि आगे इस चीज को तो घेरा मार लो इतने, फिर आगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, फिर रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, भैया चीज सारे में वहां पे हमें यूज करनी है, ठीक है? नंबर ऑफ सबसेट आपके कितने हो गए, आगे देखो आप। और सबसेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन से चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से साइन से? हमारा ये होता है साइन सबसेट का, होता है ना ये, मान लिया ए सबसेट बी, ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखते हैं ना, ए सबसेट बी, पढ़ा नहीं? ए उपसमुच्चय है बी का, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे अंकवे बी में है, ठीक है? अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं, इफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, चिन्ह तो ये एप्साइलन बोलते हैं, लैटिन शब्द है एप्साइलन, एक्स बोलते कैसे हैं, मान लिया एक्स ए का अव्यय है,
कुछ यूज तो करते होंगे ना बोलते हुए, जब पढ़े हैं हमने सेट या सेट रिलेशन फंक्शन हम पढ़ रहे हैं टॉपिक्स, इसको पढ़ते हैं एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। एक्स अव्यय है किसका, एक्स एक अव्यय है, एन का मतलब एक, एलिमेंट मैंने अव्यय है किसका, ए का, ठीक है। यस को ऐसे पढ़ते हैं एक्स इज बिलोंग टू एक्स, ए से संबंधित है, या एक्स किस में है, ए में है, या एक्स इज कंटेन इन ए, कंटेंड इन ए, तीन तरह से पढ़ते हैं। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज बिलोंग टू ए, एक्स ए इज कंटेंड इन ए। सबसे ज्यादा यूज ये होता है एक्स इज बिलोंग टू ए, एक्स ए का एक अव्यय है, एक्स ए का क्या है, एक अव्यय। क्लियर है? एक होता है, हम लिखते हैं इफ, इफ का मतलब क्या होता है, यदि या तात्पर्य। एक होता है डबल इफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, ठीक है। एक साइन हमारा होता है ये, देखते हैं ना, डबल इस तरह आरोहण के, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं, इम्प्लाइज, हिंदी में इसको लिखते हैं इंगित करता है, क्या बोलते हैं इसको, इंगित करता है, ठीक। एक साइन हमारा ये होता है बोथ साइड इम्प्लाइज, बोथ साइड इम्प्लाइज, इन्हें लिख लो क्योंकि आगे यूज आओगे, फिर आपको पता करना है। लिया चलिए, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे इम्प्लाइज, बोथ साइड इम्प्लाइज। क्योंकि जब हम ए सबसेट बी अगर वगैरह पढ़ेंगे, देखिए जैसे कि सपोज करो ए सबसेट बी आपका कहीं पे लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं इफ, यानी कि यदि एक्स ए का कोई एक अव्यय है, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू बी, ठीक। गिवन क्या है, दिया हुआ कि ए सबसेट बी है, यदि ए सबसेट बी दिया हुआ है तब क्या होगा, देन देन लिखो, तब एक्स बिलोंग टू ए है अगर, तो इसका मतलब क्या इंगित कर रहा है, क्या बता रहा है, कि एक्स बी में भी है, क्यों, क्योंकि ए सबसेट बी, ठीक है। अगर मैं लिख दूं इफ एक्स बिलोंग टू बी इम्प्लाइज एक्स बिलोंग टू ए, यानी कि अगर एक्स बी में है तो एक्स किस में होगा,
ए तो तब क्या लिख सकते हैं, देन बी सबसेट ए हो सकता है। अगर ऐसा है तो कि इससे ये आ रहा, इससे ये आ रहा, देन ए इक्वल टू बी, यानी कि इसके सारे अव्यय इसमें हैं और इसके सारे अव्यय इसमें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अगर हमें ये सिद्ध करना कि ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू सेट बी, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हम यूज करेंगे। समस्या यही आ रही कि जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन बोर्ड से बच्चे आ रहे थे, बेस पता नहीं क्यों खत्म नहीं, बेस नहीं है बच्चों को। अब पढ़ते हैं हम इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। क्या है रियल नंबर है, ठीक है। अगर कोई सेट आपका ऐसा दिया हुआ हो, देखो अब हम जो इंटरवल के सेट होंगे, सपोज करो एक्स सच दैट, एक्स कैसा है ए और हो सकता है कोई सेट ऐसा, एक्स की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी। एक सेट हमारा ऐसा भी हो सकता है, कैसा, एक्स ग्रेटर देन ए हो और लेस देन इक्वल टू बी। एक हमारा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एक सेट हमारा ऐसा भी हो सकता है। ये सेट है एक्स की ऐसी वैल्यू जो ए और बी के बराबर भी हो सकती है और इन दोनों के बीच की भी, ठीक है। अब इनको अगर हम एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इंटरवल को दिखा सकते हैं, इनको हम सेट फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं देखिए ये जो चीज़ें हैं, पहले आप इसको डायग्राम से समझ लो, ये भी रियल लाइन है। कंडीशन यहाँ सीधी बात है कि एक इससे छोटा है बी से, तो ए को हम कहीं भी लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और बी को राइट साइड, ठीक है। एक्स की वैल्यू ए के बराबर भी हो सकती है और उससे तो एक्स यहाँ आ गया बिल्कुल दोनों के बीच में है, और इसने जो एक्स की वैल्यू है ये भी इसने है वैल्यू सारी इसमें भी इसकी शामिल है, ठीक है। इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर के रूप में ये जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी होगी ए और ये कैसा है, क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल। इस क्लोज इंटरवल का मतलब क्या आया इसका, कि एक्स सारी वैल्यू ले लेगा, ए की भी ले लेगा, बी भी ले लेगा और उसके बीच की भी ले लेगा, जैसे कि इससे पता लगा।
इसमें क्या है, बी की वैल्यू तो ले लेगा, इसकी बी ले लेगा ये, लेकिन ए को छोड़ देगा, ए को यानी कि ए के हम ऐसा खाली बना देंगे कि इसने ए तो छोड़ दिया, ए से अलग जितनी बचेगी ये यहाँ तक की शामिल करेगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, जिसको शामिल नहीं करता उधर हम ओपन इंटरवल बना देंगे। ये तो क्लोज इंटरवल हो गया, ये छोटे वाले को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब इसमें ए शामिल नहीं है, एंड वाला जो है जैसे ए इसमें शामिल नहीं है, इसमें क्या होगा, ना तो इसमें ये शामिल है ना इसमें ये शामिल है, सिर्फ इनके बीच का आएगा, यानी कि तब इस इंटरवल को हम ओपन इंटरवल प्रोजेक्ट करें। अगले में क्या है, यहाँ पे देख क्लोज हो जाएगा और इधर ये, ठीक, इस इंटरवल को क्लोज इंटरवल, इसको ओपन क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल, और इसको क्लोज और ओपन, क्लोज और ओपन इंटरवल इसको हम बोलते हैं। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, लिखना चाहो लिख लो। क्लास हमसे कितनी देर पहले चली, तो 3:11 पे समझ गई, 3 बजे, लिख लिया। यूनिवर्सल सेट पढ़ाया कभी, किसे कहते हैं, कैसा समझ है। दिए गए सभी समुच्चयों के योग है,
शामिल हो, ठीक है। मान लिया दो सेट, चार सेट, दस सेट, कितने भी सेट आपको दे दिए, और एक ऐसा सेट जिसमें वो सारे अव्यय हो, वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, ठीक है। अगर इसका हम एग्जाम्पल ले लें, एक सेट अगर हमारा ए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, एक सेट हमारा बी 2 3 4 5 6 हो गया, तो डेफिनेटली हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो 1 2 3 4 5 और 6 क्लियर हो गया। यहीं पे एक हम पढ़ लेते हैं पूरक समुच्चय, किसे कहते हैं, शहर के अंदर ये फैसिलिटी बहुत कम है, कहीं भी कोचिंग में चले जाइए कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा सकता है, बता रहे क्योंकि जो टीचर पढ़ाने वाले हैं या तो इंग्लिश ही जानते हैं, जो हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ है ना वही दोनों चीज़ें पढ़ा सकते हैं, अदरवाइज जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए उनके उनसे पॉसिबल नहीं है। पूरा समुच्चय इंग्लिश उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट समुच्चय क्या होता है, किसी दिए गए सेट का पूरक सेट वह सेट होता है जिसमें वे अव्यय होते हैं जो ए में नहीं है, दिए गए सेट नहीं है, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 और 4, ठीक है, और U हमारा 1 2 3 4 5 6 और 6, ठीक है। हमें निकालना A का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो A के ऊपर डैश लगा देते हैं या फिर क्या लिख देते हैं इसके ऊपर C। A का पूरक समुच्चय क्या होगा, ये जो A के अव्यय है इन्हें छोड़ते हुए यूनिवर्सल सेट में जो बचेंगे वो इसका पूरक कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाए, यानी कि ये कौन कौन से बचे हैं, 5 6 7, ये क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या आएगा, तो क्या जाएगा, क्लियर है। ये ट्रू है फॉल्स है, अभी बताओ ना कौन सा ट्रू है, और ऊपर वाला हम्म,
ये ट्रू है और ये क्यों है फॉल्स, किसी के पास नहीं। देखिए ये जो सबसेट साइन आता है ये दोनों सेट के बीच में, ठीक है, तो ये भी सेट है ये भी सेट है, क्लियर है। तो इसमें से अगर हम इसके सबसेट बनाए तो इनमें से एक सबसेट होगा। अब ये है, ये जो साइन है बिलोंग टू का, ये एलिमेंट से पहले आता है, किसी अव्यय से पहले आता है, किसी सेट से पहले नहीं आता। ये जो है एक सेट है और एक सेट कोई दूसरे को बिलोंग नहीं कर सकता, बिलोंग जो करेगा वो एलिमेंट करेगा। अगर किसी कारण ये ऐसा होता तब ये ट्रू होता, क्योंकि ये सेट इसके अंदर है, लेकिन ये हमें कंफ्यूज कर रहा है ये एलिमेंट को, तो ये सिर्फ फॉल्स। ये इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस इज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स बताने हैं क्या, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहला देखते हैं क्या 3-4 सबसेट है ए का, फॉल्स है क्या है। थ्री फोर बिलोंग टू ए, ट्रू है ना, और ये समझ में आ गया। इसको ट्रीट कैसे करें, जैसे एक एलिमेंट और सेट के अंदर है, और ये जुगा तो एलिमेंट इसमें ये है, ठीक है। यहां तक एलिमेंट है, ये लगा के इसका सेट बना दिया, तो सेट सबसेट किसका है, क्लियर। वन बिलोंग टू ए, 1-5
belong to तो true है, अगर इसमें लगा दिया तो मिली कुछ चीज सीखने को आज। ये और इसके साथ ही बता दो मुझे, ये ट्रू है या फॉल्स। पहले वाला ये ट्रू है फ़ाल्स है क्यों, और ये हाँ तो ये फ़ाल्स है ट्रू है। देखो फाई क्या है, एलिमेंट है, क्लियर है, और फाइव एलिमेंट इसमें कहीं शो हो रहा है नहीं ना। अगर हम ये मान ले चलो फाइव होता ही है जिसमें कुछ नहीं है, एक्चुअल में होता है कोई दिक्कत नहीं है फाइव, अगर ये लगा देता तो प्रूफ बन जाता, लेकिन सब सेट छुट्टी हो जाएगा। ये इसने ये दिया हुआ फिर तो फाइव सब सेट तो है नहीं, नहीं फाइव सबसेट ए सही है वो, क्योंकि फाइव सभी का सबसेट है, कोई भी सेट हो दुनिया में वो सबका सबसेट होगा, लेकिन ये फाल्स है क्योंकि ये क्या है, एक वन एलिमेंट का सेट है, जबकि फाइव एक ऐसा सेट है जिसमें कि फाइव को लेकर बनाया गया है, जबकि ऐसा कोई सेट अगर इसमें फाइव एलिमेंट होता तो ये ट्रू था, अदरवाइज ये फाल्स है। क्लियर है, हेलो हेलो सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं, अपना तो बहुत टाइम लगेगा, बाकी आप कह रहे हो तो हम करते हैं।
चलो हाँ मैं बता दूंगा देख ठीक है ठीक मुझे तो मोबाइल नंबर बता दो अपना ठीक है एट थ्री एट टू है शुरू में एट टू सिक्स एट नाइन सेवन सेवन टू क्या नाम है आपका नेहा ना मैं शायद हूँ नहीं तुम्हें पता नहीं कौन सा ग्रुप बना रहा कोई नहीं कर देना एट टू सेवन नाइन सिक्स एट नाइन सेवन सेवन टू ठीक है बाकी कल रात में फिर